सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइस सर, आज की इस वीडियो में इसमें लोग करने वाले हैं काफ़ी कमाल की एडिटिंग। और गाइस, इससे पहले भी सबने जो कुछ इस टाइप की एडिटिंग किया था, मतलब कि जो लिरिक्स है एंड उसमें जो लाइट इफेक्ट है एंड जो रैन ड्रॉप है, तो वो सारी चीज़ें गाइस सर हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया था उस वाले में। एंड इस वाले में सर हम थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं, एंड इसमें गाइस सर हम उससे ज़्यादा बेटर करने वाले, बिकॉज इस वाले मतलब वीडियो के अंदर जो ना मैं आपको बताऊँगा आप डिफरेंट डिफरेंट कलर कैसे चेंज कर सकते हो लिरिक्स के अंदर, एंड उसमें जो बीट मार्क है एक इफेक्ट है एंड बहुत सारी चीज़ें जो बीट इफेक्ट है वो सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और गाइस हाँ, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो गाइस लास्ट में आपको एक सीक्रेट कोड देने वाला हूँ, एंड उस कोड का क्या बेनिफिट होने वाला है इसमें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप भी कहीं सर 3D एनिमेशन वाला कहीं सर वाटर वेव लाइट इफेक्ट लेक्स वाला स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, गाइस मैं थोड़ा सा आपको पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड गाइस, अगर आपको वाला स्टेटस पसंद आता तो आप गाइस सर जाकर के चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको फर्स्ट में लिंक मिलेगा 3D एनिमेशन वाला जो वीडियो गाइस, आप उसे कंप्लीटली फुल ट्यूटोरियल वॉच कर सकते हो, ठीक है। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है। गाइस अगर आप इसका फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हो गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा, सिंपली क्लिक करो एंड फुल ट्यूटोरियल आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। ओके तो इससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस आपको एक बीट मार्क प्रोजेक्ट को इस इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइस इससे प्रीसेट को इस आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना, ओपन कर लेना। एंड गाइस आपको सिंपली करना है यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट पर जाना, एंड गाइस आपको सिंपली से फर्स्ट लिरिक्स को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे लेयर्स को लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से, और गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे फॉन्ट वगैरह एंड कलर वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कलर हम व्हाइट रहेंगे एंड फॉन्ट गाइस यहाँ पर फ्लेक्सिबल गर्ल का एक फॉन्ट गाइस उसे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आपको सिंपली करना है इसका जो साइज गाइस आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है। साइज को बढ़ाने के बाद आपको सिंपली करना है सेकंड बीट मार्क पर जाना, एंड यहाँ तक आपको इसका जो ड्यूरेशन है वो आप यहाँ पर बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपली से ड्यूरेशन को बढ़ा लिया है, और ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद हम इसे से कर लेते हैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद सिंपली हम इसे कर देते हैं पेस्ट। तो हमने जगह से पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कर देते हैं ट्रिम। ओके तो कैसे हो चुका हमारा, एंड आप इसे एडिट कर देना सिंपली कैसे, यहाँ से मैं दो टेक्स्ट रख लूँ। अब कैसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फोटोज़ को, तो हम सिंपली फोटो वाले ऑप्शन पर आते हैं और इसमें यहाँ से फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो फोटो हमारे गाइस हम यहाँ पर सिंपली से ऐड कर लेते हैं, और गाइस हम क्या करेंगे इस पर यहाँ तक आते हैं एंड हम इसे पहले फिल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है, थ्री डॉट पर क्लिक करके, और सेकंड फोटो गाइस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से सिंपली से फटाफट से फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो इस समय यहाँ पर इन फोटोज़ को ऐड करने वाले हैं, एक ही मॉडल के समय यहाँ पर फोटो को ऐड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से एंड से फिल स्क्रीन कर लेते हैं, और जहाँ तक ड्यूरेशन होगा इस वहाँ तक रखेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट हम ट्रिम करेंगे इस तरह से, एंड फिर से हम ऐड कर लेते हैं। तो इसी टाइप की आपको जो वन बाई वन करके इस आपको सिंपली से करने के फोटोज़ को ऐड करते जाना है, ठीक है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है और भाई आप चाहते हो भाई फर्स्ट से फर्स्ट ग्रो होना, मतलब कि जल्दी से जल्दी, तो इस आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिएगा, ठीक है, कि आपको जो मतलब 1K सब्सक्राइबर एंड 4K का वॉच टाइम कंप्लीट करवाना है, तो इसमें आपको वहाँ पर 110% आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जाओ एंड फटाफट से आपको जो मतलब मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो वीडियो चेक करने के बाद वीडियो देखने के बाद आप जो गाइस वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है, एंड वहाँ पर आप मुझे DM वगैरह कर सकते हो। तो हम क्या करिए सर, यहाँ पर कुछ फोटोज मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है, एंड एक्स्ट्रा पार्ट सिंपली से मैं ट्रिम कर लेता हूँ एंड इसमें फिल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो कुछ फोटोज को ऐड कर लिया एंड इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट हम उसे ट्रिम कर देते हैं सॉन्ग का। सो 13 सेकंड की सर बहुत है आपको इसे यहाँ पर क्लियरली समझाने के लिए भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो गई लिरिक्स वगैरह लिख चुका है, एंड हम क्या कहें सर, यहाँ पर हम पहले थोड़ा सॉन्ग सुन लेते हैं कि भाई कहाँ पर किस सॉन्ग पर किस टाइप की यहाँ पर लिरिक्स लगाने वाले, ठीक है। तो हम प्ले करते हैं, और प्ले करने के बाद इसे मैं आपको पहले सॉन्ग को पूरा कंप्लीट सुन लेते हैं। तो लिस्ट कैसे हमारा कौन कौन सा कहाँ पे आ रहा है, तो यहीं से कैसे हम लिस्ट लिखने वाले हैं। ओके तो यहाँ के जो फर्स्ट लिस्ट है इससे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो टेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं और गए जो भी हमारा लिस्ट है सॉन्ग का उसे कैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ स्टेप से लिख लिया एंड इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, एंड हम कलर कर लेते हैं वाइट, और वाइट कलर रखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉन्ट हम गई सर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर बेसिक फॉन्ट, एंड इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा एंड आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो आपकी इच्छा जहाँ से आपको डाउनलोड करना हो, ठीक है। और गई जो लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना यार, वहाँ पर गई इसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स डालते मतलब पर डे डालते रहता हूँ, ठीक है, जो आपको वीडियोज़ में काम पड़ते रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका एक्स्ट्रा पार्ट से हम ट्रिम कर देते हैं,
और अभी गाइस हम जो इसके अंदर भी कुछ इफेक्ट ऐड करने वाले हैं, तो गाइस आप देखना वन बाय वन करके इसमें सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हो इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वैसे गाइस मैं सिंपली से कॉपी लेयर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो इसी टाइप से आपको सिंपली कॉपी लेयर एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट आपको ट्रिम करना है एंड फिर से हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे क्या होगा सर, आपका जो गाइस यहाँ पर टाइम बचेगा एंड बहुत ही फर्स्ट यहाँ पर गाइस आपका जो लेयर्स यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस सिंपली से कट करता हूँ एंड जो सेकंड हमारा लेयर है उसे गाइस सिंपली से हम आपको लिख लेते हैं। तो सेकंड लेयर से हमने यहाँ पर लिख लिया, ओके। तो इसे हम कट कर देते हैं एंड इतना रखते हैं और इसे हम थोड़ा कुछ स्टेप्स कर लेते हैं एंड इसे हम सेंटर में ऐड करेंगे। कलर तो गाइस हमारा ऑलरेडी वाइट है तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो हम इस टाइप से एंड इसका थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, तो जूम होने के बाद आपको सिंपली करके यहाँ पर आना एंड गाइस आपको सिंपली सेकंड लेयर को पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर एंड इसको गाइस आपको सिंपली एडिट करना है। तो यहाँ पर गाइस आपको सिंपली जो सेकंड वाला लेयर है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी गाइस, आप बहुत ही अच्छे से लिख लोगे, ठीक है, एंड अच्छे से क्रिएट भी कर पाओगे। तो सिंपली गाइस इसका जो साइज मैं यहाँ पर सिंपली से बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो सेकंड लेयर मैं सिंपली यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं और गाइस हम इस पर करते हैं टैप और गाइस हम फिर से पेस्ट कर देते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ पर एंडिंग तक गाइस सारी चीज़ें हो चुकी है एंड गाइस हमारे लिए परफेक्टली लिख चुका है। अब गाइस हमें इसमें डालना एनिमेशंस, इफेक्ट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पहले गाइस ओपेसिटी पे जाके इसका जो ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें थोड़ा सा मतलब ऐसे बिगनर चाहिए, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पर ओपेसिटी ज़्यादा रहेगी तो हमारे जो मतलब फेस में एक मतलब लाइट इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि हमारे यहाँ पर कलर इफेक्ट पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा बिगनर को इनेबल कर लेते हैं। तो मैं गाइस सिंपली से विनेट को थोड़ा सा मतलब कुछ स्टेप्स इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली इस पर हम टैप करेंगे एंड इसमें जाते हैं और इसे सिंपली से कम कर लेते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जा करके ओपेसिटी को कम करने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम जाते हैं सर प्रीसेट वाले ऑप्शन पर, जहाँ तक हमारा मेन प्रोजेक्ट है, जहाँ तक हमें प्रीसेट को ऐड करना है। तो इसे गाइस आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और गाइस आपको इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो गाइस सर दिया हुआ लिंक कि भाई आप XML फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो गाइस अलाइड मोशन ऐप के अंदर। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते भाई आपको XML फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भाई आप सिंपली से क्या करना, उसे सिंपली से ऐड कर लेना, ठीक है। तो मतलब वॉच कर लेना, सॉरी। तो इससे मैंने फर्स्ट जो प्रीसेट है उसे मैंने गाइस यहाँ पर पेस्ट कर दिया यहाँ तक। और कैसे हम क्या करेंगे इसमें जैसे कि ड्राइंग का इफेक्ट लगाने वाले, तो ड्राइंग इफेक्ट लगाने वाले हम इफेक्ट पर जाएंगे और हम क्या करेंगे ऐड इफेक्ट पर जाते हैं। और ऐड इफेक्ट पर जाने के बाद हमें करने के लिए सर यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है ड्राइंग का, और कैसे यहाँ पर जो लव ड्राइंग है उसे हमें सिंपली से टैप कर देना, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड पर टैप करना है। तो स्टैंडर्ड पर कैसे आप यहाँ पर टैप कर देंगे, सिंपली ड्राइंग ऑप्शन पर टैप करना एंड आपको एंडिंग के ऑप्शन पर यहाँ पर टैप कर देना, ठीक है। पहले तो कैसे सिंपली से मैं करूँगा सर यहाँ पर एंड पर टैप कर दूँ एंड की पर टैप करके इसे मैं कर देता हूँ जीरो, ठीक है। तो जीरो करने के बाद हम क्या करेंगे सर यहाँ पर आते हैं एंड तक, ठीक है, एंड तक आने का थोड़ा सा एंड से हल्का सा पहले फिर एंड पे कैसे रख सकते हो एंड फिर से की पर टैप करना और इसे आपको फिर से हंड्रेड कर देना, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर ड्राइंग भी कर रहा है टेक्स्ट, ठीक है। आपको सिंपली करने के आपको सिंपली इस पर कर देना टैप एंड इसी का जो इफेक्ट है आपको कॉपी करके सेकंड लेयर पर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पर इफेक्ट पर जाते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं एंड इसे कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं एंड इस पर हम टैप करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे एंड इसे हम पेस्ट इफेक्ट कर देते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे सारी चीज़ें हैं एंड काफ़ी ऑसम लग रहा है। तो यहाँ गाइस हमारा ड्राइंग भी कर रहा है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, देखने में। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम आते हैं सेकंड वाले इफेक्ट पर, ठीक है, मतलब प्रीसेट पर। और गाइस हम सेकंड प्रीसेट को सिंपली से हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। तो इफेक्ट पर एंड यहाँ से हम सिंपली से कॉपी कर लेते हैं, इफेक्ट कॉपी होने के बाद हम आ जाते हैं इस पर। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर मैं जो सेकंड वाला जो इस यहाँ पर मैं फोटो है उस पर मैं टैप कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। याद रखिए आपको सारी फोटोज़ पर एक इफेक्ट नहीं लगाना गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ गैप छोड़ रहा हूँ, जहाँ पर इस वाटर साउंड है उस वाली फोटो को आपको छोड़ देना है, बाकी जहाँ पर बीट साउंड है उस वाली फोटो पर गाइस आपको ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो गाइस सिंपली से मैं कॉपी इफेक्ट कर लेता हूँ एंड गाइस एक चीज़ मैंने हाइड वहाँ पर रखा हो तो गाइस आप उसे अनहाइड कर देना, ठीक है। तो गाइस सिंपली से कुछ स्टेप्स हैं एंड इसे गाइस हम देख लेते हैं इस पर है एंड इसमें वाटर साउंड रहेगा तो हम इसे छोड़ देते हैं एंड इस पर गाइस हम एक बीट साउंड है तो हम इस पर ऐड कर देते हैं इस वाले इफेक्ट को, ठीक है। अभी गाइस मैं जो वाटर साउंड पे जो वाटर इफेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड करना है। तो सारी चीज़ गाइस आपको बताने वाला हूं स्टेप बाई स्टेप, वीडियो कम्प्लीट तक देखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर जाते हैं प्रीसेट के ऑप्शन पर और यहाँ गाइस हमें एक प्रीसेट मिलेगा तीन नंबर का, तो हम उसे हम टैप करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन का। तो हम गाइस अभी जो टेक्स्ट एनिमेशन जो हमारी फोटो का जो लिरिक्स है उसे गाइस हम यहाँ पर टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए हम यहाँ पर इस प्रीसेट का यूज करने वाले हैं। तो हम पेस्ट कर देते हैं, जब देख पाएंगे कुछ इस टाइप से एनिमेशन करेगा हमारा टेक्स्ट।
तो सभी प्रीसेट में गाइस हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो गाइस सर यहाँ पर एंड आप देख पाएंगे सर बिल्कुल न्यू सा एंड काफ़ी ऑसम लगता है देखने में, ठीक है। और गाइस आप बेसिक फोन गाइस आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, या फिर गाइस आप टेलीग्राम चले जाना भाई, टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। कोई भी चीज़ प्रीसेट वगैरह गाइस आपको वहाँ पर मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। अब गाइस यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का इफेक्ट है उसे हम कॉपी कर लेते हैं, और यही गाइस सर वाटर इफेक्ट, ठीक है। अब इसे गाइस हम कहाँ पे इस्तेमाल करने गाइस वाले, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बीट मार्क के बाद जो फोटो में आपने वाटर इफेक्ट देखा हुआ था वो यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर पर इसे हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, तो इस टाइप से एंड हम पेस्ट कर देते हैं। और फोर्थ में गाइस हमने यहाँ पर जो बीट मार्क किया है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर बीट मार्क है, एंड इस पर हम गाइस सर इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख पाएंगे सर यहाँ पर वाटर इफेक्ट गाइस हमारे यहाँ पर लग चुका है। तो इतना कुछ गाइस हमारे यहाँ पर काम हो चुका है। अब गाइस हमें यहाँ पर करना है सर, यहाँ पर हमें एक वीडियो को ऐड करना है, सिंपली गाइस मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड गाइस हम क्या करेंगे, इसे ब्लेंडिंग पे जाकर के इसे स्क्रीन कर देते हैं, पहले जूम कर लेता हूँ बढ़िया से फुल स्क्रीन। तो गाइस हमारी जूम हो चुकी है, एंड जूम होने के बाद हम क्या करेंगे सर, यहाँ जाते हैं बैक एंड इस पर हम टैप करेंगे, ब्लेंडिंग पे जाएंगे एंड लाइट पे जाके स्क्रीन कर देते हैं। और गाइस आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस टाइप से आपको जो कुछ इस टाइप का मतलब कलर इफेक्ट में देखने को मिलेगा लाइट लाइटर सा, जो काफ़ी ऑसम लगता है हमारी वीडियो के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम जो भी कलर देंगे हमारे लेग्स पर गाइस वो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से, तो गाइस सर यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं बटरफ्लाई का वीडियो। तो सिंपली गाइस हम ऐसे एक बटरफ्लाई ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको जो लेस है उसमें गाइस सर और भी जादू मतलब यहाँ पर लगे मतलब और भी ज़्यादा ऑसम लगने लगेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आते हैं एंड ब्लेंडिंग पे जाकर के हम इसे स्क्रीन कर लेते हैं। सो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम ट्रिम कर देते हैं पहले तो, ठीक है। एंड जितना गाइस हमें यहाँ पर रखना है उतना गाइस हमें यहाँ पर रख लेते हैं। तो वैसे हम सिंपली ब्लेंडिंग पे जाएंगे लाइट एंड जैसे हम स्क्रीन कर लेते हैं। सो स्क्रीन करते गाइस आप यहाँ पर देख पाएंगे इस हमारे जो यहाँ पर बटरफ्लाई का जो PNG है एंड जो वीडियो है वो इस हमारे यहाँ पर ऐड हो चुका है, एंड हम इसका साइज वगैरह बढ़ा कर सकते हैं एंड इसे हम परफेक्टली एक सही ड्यूरेशन पर सेट कर सकते हैं, भाई आपको कितना रखना है, ठीक है। एंड हम इसे सिंपली से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट गाइस अब मैं यहाँ पर तो करूँगा नहीं एक्सपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक्सपोर्टेड है एंड काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस हमारे यहाँ से जाते हैं बैक, और बैक आने के बाद हम यहाँ पर एक नोट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, एंड इसका लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, उसका डाउनलोड कर लेना। बट गाइस सर आप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है एंड काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है। एंड गाइस आप 4K ऐड के एंड उससे भी कहीं ऊपर हाई क्वालिटी के वीडियोस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम इसे ऐड कर लेते हैं ओपन, एंड हमें यहाँ पे इसे रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो गाइस हमें कस्टम पे जाना है, और गाइस आपको सिंपली फर्स्ट पेज से हटा करके 1080 कर देना है, एंड आपको गाइस सेकंड पे जाना है एंड 2340 कर देना है इसमें, ठीक है। ये हो गया, एंड आपको सिंपली करना है आपको इस प्लस के ऑप्शन पे ऊपर आपको मिल रहा है उस पर टैप करना है, वीडियो पे जाना है, ठीक है, मीडिया पे वीडियो पे। और गाइस आपको सिंपली यहाँ से ऐड कर लेना है अलाइट मोशन के अंदर जो आपने अभी मतलब एक्सपोर्ट किया हुआ है उसी वाली वीडियो को, ठीक है। तो सिंपली गाइस यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, और हो गई सर वीडियो हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। वीडियो ऑडियो होने के बाद हमें सिंपली करने के यहाँ पर गाइस हमें कुछ चीज़ें सेट करना है, ठीक है। तो ग्लो इफेक्ट वगैरह, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, पहले हमें यहाँ पर लेंस वगैरह सेट कर लेते हैं बढ़िया से, भाई यहाँ पर हमारे लेंस का कलर यहाँ पर हमें शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली जैसे हमें यहाँ पर इतना हम रख लेते हैं, एंड जो आपको एक प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, प्लस का जो आइकन है आपको उस पर टैप करना। तो पहले गाइस हम परफेक्ट लेंस सेलेक्ट कर लिया, एंड आपको एक एक्सेप्ट का ऑप्शन मिला उस पर आपको टैप करना, एंड ऊपर गाइस आपके ग्लो का ऑप्शन मिला उस पर आपको टैप करना, एंड फर्स्ट में गाइस आपको जो 30 कर देना है, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको इसे करना 30, ठीक है। एंड सेकंड गाइस आपको 130 कर देना, ठीक है, 130 आपको यहाँ पर कर देना है, सो 130 के अराउंड आसपास कुछ इतना, एंड इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। एंड इस वाले ऑप्शन में गाइस हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1.4 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड गाइस अब हम क्या करेंगे सर, जो कलर गाइस उसे हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो गाइस सर यहाँ पर गाइस आप देख पाएंगे सर कलर गाइस, अब जो भी कलर गाइस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो गाइस पहले आपको सैचुरेशन बढ़ा लेना, एंड उसके बाद आप देखेंगे सर जो भी कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहेंगे तो गाइस आपका लेंस सर उसी कलर में यहाँ पर कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। तो गाइस सर यहाँ पर काफ़ी ऑसम से गाइस ये वीडियो है, एंड गाइस आप यहाँ पर देख पाएंगे सर काफ़ी कमाल आप यहाँ पर लेंस को गाइस आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप से सर मैंने जो मतलब कलर चेंज किया होता अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो इतना कुछ होने के बाद गाइस अब हमें करने के बाद सर वाटर इफेक्ट ऐड करना, सिंपली उसी वाले ऑप्शन पर जाएंगे, एंड गाइस नीचे आपको एक रेन इफेक्ट का ऑप्शन मिला उस पर हम टैप कर देते हैं, एंड गाइस यहाँ पर जो ग्लास है वो 10% उसे गाइस आपको 0 कर देना है, फिर 1 कर देना है, फिर 2 कर देना है, ठीक है। इतने में से यहाँ पर परफेक्ट ऑप्शन आ जाता है, मतलब इसे बढ़िया से इफेक्ट आता है। तो गाइस यहाँ पर मैं 01 या 02 रख लेता हूँ, ठीक है, जितना कुछ। एंड अब हम किसी यहाँ पर देख पाएंगे इस हमारे यहाँ पर रन इफेक्ट भी लग चुका है, ठीक है। तो गाइस हमारे यहाँ पर रन इफेक्ट भी सर यहाँ पर कंप्लीट लग चुका है, एंड इस हमारी वीडियो यहाँ पर हो चुकी है रेडी। अब गाइस आप सिंपली से गाइस एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपली गाइस आपके यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिला, सिंपली जैसे आप एक्सपोर्ट पर टैप करेंगे तो गाइस आपके